और मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, 90% लोग नहीं जानते होंगे। इसका कॉम्बिनेशन इससे बॉटम हेड्स होता है, फादर हेड्स। जब हम बैट पकड़ते हैं तो होता क्या, ये है बैटली उठाया हमने, बैकलिफ्ट, तो ये लॉक जाता है। ओके, अगर ये लेंग हो जाएगा यहाँ से तो ये हाथ स्लिप हो जाएगा, फिर दोनों हाथों कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ओके, फिर हम खेलने जाएंगे तो बैट कहीं फंस जाएगा। दूसरा, ये बल्ज बैक ऑफ द बैट, ये इसलिए होता है जब हम डाउनसिंग आती है हमारी, डाउनसिंग नीचे आती है तो ये एयर को काटती है। अगर हम प्लेन कर देंगे बैट तो बॉल निकल जाएगा और बैट नीचे नहीं आएगा। ओके, ये जो हमारी हैंडल होती है ये करीब 8-9-10 किन की होती है। ओके, ठीक है, जिसमें आप देखिए जब ऐसे करेंगे तो देखिए ये लोच ले रही है, देखिए देखिए ये हिल रही है। अगर जिस हैंडल अच्छी नहीं होगी जिस बैट की, आप ऐसे करोगे नहीं लेगी, वो बैट को लेना चाहिए ही नहीं। ओके, मेरा सजेशन ये है बच्चों से, जो भी आपके यूट्यूब वगैरह जो देखेंगे, मेरा सजेशन है कम से कम कुछ ज्ञान लें। तो गली क्रिकेट में भी ये नहीं लेना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं लेना चाहिए गली क्रिकेट में भी ये वाला, जो सर ने बताया कुछ अच्छे से बैट, अच्छे बैट लो, जिससे कि अगर आप की सोच है ऊपर जाने की है तो आपका बैट भी तो अच्छा होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने सर बैट की बात की, जो आपका इस साइड में सर ये मोटा पार्ट होता है, कभी कभी अलग अलग टाइप के बैट होते हैं, कुछ पतले होते हैं कुछ मोटे होते हैं, तो उनका क्या डिफरेंस है? मैं बताऊँ, ये होता है टेक्निक आपकी कैसी है, आपका माइंड कैसा है, आपका नेचर कैसा है और किस सरफेस पर कैसा खेल रहे हैं आप। कभी क्लाउडी वेदर होता है, कभी सनशाइन होता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, ओपनर, और बॉल स्विंग कर रहा है, तो मुझे जो बैट होता है तीन तरह का होता है, एक होता है कर्व, एक हल्का सा कर्व, एक प्लेन। उसमें हमको कर्व बैट खेलना चाहिए। कर्व बैट खेलने का होता है कि जब भी हमारा एज लगेगा तो सीधे फील्डर ना हाथ जाके नीचे डिप कर जाएगा। अगर हम प्लेन बैट्स खेलेंगे और कर्व प्लेन बैट है और बॉल इन स्विंग है या आउट स्विंग जो भी है, तो बॉल कैरी करेगा और बॉल ऊपर जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जब हम हिटिंग करते हैं, मारते हैं छक्के चौके, बीच में हमने देखा होगा कि इंडियन प्लेयर्स आते हैं, बैट चेंज करते हैं, क्यों करते हैं वो? बाय बच्चे सोचते होंगे यार बैट टूट गया, बैट खराब हो गया है ना, वो इसलिए करते हैं कि वो बैट थोड़ा हैवी लेते हैं, उभरा हुआ लेते हैं, बैट ऐसे रहता है जैसे कर्व है तो उभरा हुआ उसे लेते हैं, जिससे बॉल मारेंगे तो और स्पीड से और दूर जाएगा। ओके, हल्का हल्का बैट तब लेते हैं जब हमको टाइम नहीं मिलता, जैसे मैं खेलने गया किसी बॉलर को टाइम नहीं मिल रहा है तो हल्का बैट आसानी से आ जाएगा ऊपर। जब मैं लंबा खेलता हूँ तो हल्का बैट, जब मुझे कुछ समय के लिए चाहिए 4-5-10 ओवर के लिए, तब हम यूज़ करते हैं भारी बैट। अगर भारी बैट से खेलेंगे तो हम लंबा नहीं खेल पाएंगे। ओके, बहुत सही।